एकता कपूर ने कर दी है करण कुंद्रा की जिंदगी खराब। जी हाँ, आप लोगों ने बिल्कुल सही सुना है, करण कुंद्रा ने इस बात पे तोड़ दी है चुप्पी। आखिरकार क्या कुछ कहा करण ने एकता कपूर को लेकर, चलिए आपको बताते हैं इस वीडियो में। नमस्कार, मैं हूं रुदम ठाकुर, स्वागत करती हूँ आप सभी का फिल्म विंडो पर। देखिए, जब से बिग बॉस 15 से ये जोड़ी बाहर निकल कर आई है, कहीं ना कहीं लोगों को लगा था कि यार प्यार सच्चा नहीं है, सिर्फ बिग बॉस में दिखाने के लिए है। लेकिन अब इसी चीज को साल भर हो रहा है और कहीं ना कहीं तेजरन ने उन सभी को अपने बिना कुछ करे, बिना लफ्जों का इस्तेमाल किए हुए बहुत सारी चीजों पर जवाब दे दिया। अब ऐसे में हर कोई इंतजार कर रहा है कि आखिरकार कब, फैंस जो हैं इंतजार कर रहे हैं कि कब तेजरन जो है वो शादी के बंधन में बन जाए। ऐसे में एक इंटरव्यू में करण कुंद्रा ने कहा था कि जिस दिन नागिन 6 खत्म हो जाएगा, वह डेफिनेटली तेजस्वी प्रकाश को शादी के लिए प्रपोज कर देंगे। लेकिन यहाँ पर जब यही बात उनसे पूछी गई तो उन्होंने कहा कि नागिन 6 खत्म ही कहाँ हो रखा है, जिंदगी खराब करके रखी हुई है, जिंदगी बर्बाद करके रखी हुई है, और न जाने मेरे क्या क्या प्लान्स थे, कहाँ कहाँ जाने के प्लान्स थे। लेकिन तेजस्वी तो अपने शूट पर व्यस्त रहती हैं, और अब तो नागिन 6 की अगर बात करें तो उसमें 20 साल का लीप आ रहा है, और उस लीप में भी तेजस्वी प्रकाश नजर आ रही हैं, क्योंकि दिसंबर तक का एक्सटेंशन जो मिल चुका है। सो गाइज, यहाँ पर लग रहा है करण कुंद्रा को कि भाई एकता कपूर की वजह से उनकी लव लाइफ पे काफी इफेक्ट पड़ रहा है और जिंदगी जो है उनकी खराब हो गई है। यानी कि बहुत ज्यादा चीजों में उन्होंने ऐसे कर दिया, यहाँ पे बर्दाश्त नहीं हो रहा है। खैर, ये मजाक की बात है, आप लोगों को इस पर क्या कहना है, क्योंकि देखिए हम सभी इंतजार कर रहे हैं यहाँ पे कि करण कुंद्रा और तेजस्वी प्रकाश कब शादी के बंधन में बंधे। आप लोगों की क्या राय है नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। बाकी ये वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कॉमेंट कीजिए, और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फिल्म विंडो को कीजिए सब्सक्राइब, ताकि आपको मिलते रहे ऐसे ही सारी खबरें ऑन टाइम।